शुरुआत में मैं एक बुक लेके आया हूँ, इस किताब को आप सबने देखा होगा, ये किताब का नाम बताइए। ये धर्म ग्रंथ है, हमारे कबीर साहब का बीजक है। मैं क्यों लेके आया हूँ आपको ये बताना है। बीजक का मतलब समझिए, आप संविधान को लेके चलते हैं, हमारे समाज की रक्षा करता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। बीजक क्या करता है? ये हमें कर्म के सिद्धांत को बताता है। कर्म का सिद्धांत मतलब जब हम किसी भी बीज को मिट्टी में लगाते हैं तो क्या होता है, बीज को हम उखाड़ के तो नहीं देखते, उसमें हम प्रकाश, जल, पानी, उसको तरह तरह के फर्टिलाइज करते हैं और वो एक बट वृक्ष के रूप में बन सकता है। और समाज में ऐसे ही हमारा जीवन है, जिस तरह से हम उसको प्रतिपादित करेंगे, उसको हम रक्षा करेंगे, समाज के बच्चों का, अपने भविष्य का, तो कर्म के सिद्धांत को जो बीजक के रूप में कबीर साहब ने दिया है, ये अमूल्य निधि है हमारे बीच में। ये हम सबके घरों में, बच्चों के हाथों में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत देर में किताब मुझे मिली और जब मैंने पढ़ा इनकी दोहावली किताब रमेनी, मेरा जीवन बदल गया। मैं सत्य कहता हूं, पहले दोहे समझ में नहीं आते थे, जब पढ़ा, दिल से पढ़ा, मन से पढ़ा, तो बहुत कुछ समझ में आया कि जो वैज्ञानिक आज के कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आज से 600 साल पहले इतने महान वैज्ञानिक कबीर साहब ने हम लोगों को बता के चले गए। आज उसी पे हम लोग उसका एक तिनका भी नहीं जानते हैं। साइंस जान ही नहीं सकता जिस अध्यात्म की बात वो करते हैं, जिस हमारे परिवर्तन की बात करते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा वक्ता हमारे यहाँ हैं, वो सब बातें करेंगे, लेकिन इस हमारी जो बारी है कबीर साहब की, इन्होंने एक कहा है, इसके लास्ट में लिखा हुआ है, दिल में खोज, दिल ही में खोजी, यही करी माराम। तो इसको जो आजकल हमारे देखे, हमारे छोटे छोटे बच्चे कांवड़ की यात्रा निकालते हैं, गांव घरों से निकल करके पढ़ाई शिक्षा दूर, उनका कर्म का सिद्धांत उल्टा हो गया, क्योंकि उनके माँ बाप शायद शिक्षित नहीं है, तो उन्होंने वो जो ज्ञान दिया उनको वो पलट गया, तो वो कहीं और ढूंढने जाते हैं। लेकिन हमें, आपको अगर सशक्त बनना है, जैसा कि अभी आप नीट की बात कर रहे थे हमारे सर, तो उसमें नीट में क्या हो रहा है, जो कर्म का सिद्धांत, हम तो अपने अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए 10 दिन आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उसमें छेद है, जहां हम बीज लगा रहे हैं, और उसमें नीट रूपी एक नकली डॉक्टर, अरे साहब, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्जी डॉक्टर्स पैदा होंगे, वो समाज में जाके क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही सोचना है, कर्म के सिद्धांत के साथ हमें 2-3 डायमेंशन से इसको देखिए, राजनीतिक सामाजिक संरक्षण भी चाहिए, तभी कर्म का सिद्धांत लागू हो पाएगा। हम बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे हथियार नहीं मिलेंगे, अच्छे औजार नहीं मिलेंगे। आप अच्छे सैनिक हो सकते हैं, आपको अच्छे वेपन्स ना मिले, गोला बारूद ना मिले, तो आप वहां पे परास्त हो जाएंगे दुश्मन से। यही सिद्धांत लागू होता है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि राजनीतिक रूप से आप हम सबको इनलाइटेड होना है, अपने मजबूत पक्ष को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को भी जागरूक करना है, अपने राजनीतिकों को भी आगे बढ़ाना है, ताकि एक विचारधारा आगे बढ़े और हम सबका फायदा हो। हम भी डॉक्टर में बता रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला ये नहीं कह सकता हूं कि हम डॉक्टर होते हुए सारा सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, चेयर नहीं होगी, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं होगी, हम आपकी सेवा कैसे करेंगे। तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा कि डॉक्टर इनकम्प्लीट है जब तक उसको चारों तरफ से मजबूती नहीं मिलेगी। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।